हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 4 मीटर है क्योंकि हम इसमें 2 सूट बनाएंगे। तो हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमारा कपड़े का चौड़ाई वाला हिस्सा है और इधर की साइड हमारी कपड़े की लंबाई है। तो लंबाई की तरफ से ही हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से इसको सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम सूट की लंबाई नापेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और लंबाई हम इसकी 32 इंच लेंगे। तो 32 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 33 इंच पर भी निशान लगा लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पैजामे के कलर की पट्टी लगाएंगे तो हमें 1 इंच ही लेना है। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 6 इंच है तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर हम 4 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और शोल्डर हम चौड़े इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम हाफ कॉलर का ही सूट बनाएंगे। हाफ कॉलर के लिए शोल्डर को चौड़ा ही लेते हैं। फिर हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। यहाँ से आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्मोल की गोलाई कर देंगे। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी है 18 इंच तो 18 को आधा करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे 12 इंच पर। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम कमर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम कमर नापेंगे। कमर हमारी देखिए 16 इंच है तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और हिप की चौड़ाई भी हम 18 इंच लेंगे तो 18 के आधे हुए 9 इंच तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर देखिए हमें तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से। और नीचे से हम इसको सीधा ही रखेंगे तो सीधा ही निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। देखिए इस तरह से नीचे तक हमें 1.5 इंच का ही मार्जिन लेना है। तो इस तरह से देखिए निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर गले की तरफ बी सेंटर पर एक कट भी लगा देंगे और दूसरा कट हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ तक हम इसको सिलेंगे और तीसरा कट हम नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 18 इंच है तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 16 इंच है तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई भी हमारी 18 इंच है तो 18 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से। तो हमारी सूट की कटिंग हो गई है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है जो साइड में निकला हुआ था तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक बार तो हमारा पहले से ही फोल्ड था, फिर हमने दोबारा से फोल्ड किया और यहाँ से कपड़े को सीधा कर देंगे।
फिर देखिए हमें किनारी को भी इस तरह से निकाल देना है। फिर हम बाजू की लंबाई नापेंगे, बाजू की लंबाई हम 5 इंच लेंगी तो 5 इंच पर तरह से लाइन खींच देंगी। फिर हम बाजू की मोरी नापेंगे, बाजू की मोरी देखिए 11 इंच है तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगी, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम बाजू की गुलाई कर देंगी। फिर हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे, बाजू की चौड़ाई हम 7 इंच लेंगी तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगी। फिर देखिए इस तरह से दोनों निशान को हमें मिला देना है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने निशान लगा लिए हैं, तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है, तो अब हम यहाँ पर बी सेंटर पर एक कट लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। और ये देखिए हमने सूट की भी कटिंग कर ली है, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने सूट की कटिंग करना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।